हेलो गाइस, आप लोगों को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम गोवर्धन पूजा के दिन हम के लिए बनाते हैं सूजी का पिट्ठा, यानी आप फर्रा जिसको बोलते हैं। आज हम वो बनाने जा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि उसे किस तरीका से हम लोग बनाएंगे। और आज के दिन कुछ भरा हुआ चीज़ खाया जाता है और साथ में खीर खाया जाता है, तो मैं खीर बनाऊंगी और पिट्ठा बनाऊंगी। तो जनरली चावल के आटा का भी ही बनता है, लेकिन मैं सूजी के आटा से बनाऊंगी। देखिए, मैंने सूजी का पैकेट लिया है, ये सूजी का पैकेट है, ये मैंने आधा केजी लिया है और इसी का मैं बना रही हूँ। मैं बैक करके आपको दिखा रही हूँ मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने सूजी को साल लिया था। जनरली मैंने पानी से ही, नॉर्मल पानी से आटा की तरह ही गूथ लिया। देखिए कितना सॉफ्ट है, सॉफ्ट मैंने गूथ लिया है। ये गूथने के बाद मैं इसे बना के देखिए इस तरीका के स्ट्रक्चर में ले आ दी हूँ मैं, पिट्ठा के स्ट्रक्चर में। और इसमें मैंने जो भरा है ये चना दाल है, चना दाल में मैंने पीसा है। क्या क्या पीसा है मैंने इसमें? पीसा है आपको चना है, लहसुन है, अदरक है, धनिया पत्ता है और थोड़ा सा प्याज, ये सारे को मैंने पीस के इसमें डाल दिया है। और बहुत अच्छा टेक्सचर है, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है। मैंने इसे बनाया, इसी में मैंने भर लिया है इसको। अब मैं यहाँ कढ़ाई में देखिए पानी रख दी हूँ खौलने के लिए। मैं पानी में ही बना रही हूँ बॉईल करके। बहुत लोग इसको मतलब भाप पे भी सिझाते हैं, लेकिन मैं पानी में ही बना रही हूँ। देखिए कितना अच्छा भाप निकल रहा है। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगी, एक एक पीस करके मैं पानी में डाल रही हूँ इसको। देखिए दोस्तों इतना अच्छा से देखिए पानी में मैं डाल रही हूँ। ये सारे फूल के इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ना दोस्तों, एकदम पूरे फूले फूले एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए दोस्तों मेरे सारे बन चुके हैं, मैं पानी में बॉईल करने के लिए डाल दी हूँ। देखती हूँ कैसा बन के तैयार होता है मेरा पिट्ठा फाइनली। देखिए सारे पानी में बॉईल हो रहे हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। आप बच्चे को दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं, तुरंत ही बन जाता है। और ख़ासकर गोवर्धन पूजा के लिए तो बहुत खास है ये। हम गोवर्धन पूजा में पिट्ठा हम लोग हर साल बनाते हैं। हम जब अपनी मम्मा के घर थे वहाँ पर भी ये पिट्ठा को बनाया करते थे और बहुत प्यार से सभी लोग खाते हैं। इसके साथ अगर आप खीर बना लो ना दोस्तों, तो पिट्ठा का मज़ा ही अलग हो जाता है। दोस्तों तो मैंने पिट्ठा बनाया है और देखते हैं कैसा बनता है। मैं बहुत शौक से आज बना रही हूँ, बहुत दिन के बाद। मतलब हम लगता है एक साल में एक ही बार बना पाते हैं, ऐसे ज़िंदगी नहीं बनाते हैं। बट सबको घर में पसंद है, मैं कोशिश करूँगी हमेशा बनाओ, आप भी बनाइएगा। मैं इसका जो भी होगा ना इंग्रेडिएंट वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना, आपको पता चलेगा क्या क्या पड़ा, कैसे पड़ा, क्या बना। और बहुत टेस्टी होता है, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। और नमक अपने अनुसार डालो, जो भी है मटेरियल आप अपने अनुसार डाल सकते हो। चलिए मैं फाइनली दिखाऊंगी कि कैसा बन रहा है। देखिए दोस्तों फाइनली मेरे पिट्ठे बन के तैयार, देखिए फाइनली पिट्ठा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना, ये देखिए इसमें हम दिखाएंगे तोड़ के। ये देखिए ये चीज़ आपको देखना होगा, ये चीज़ कड़ा कड़ा थोड़ा सा हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा पिट्ठा बन चुका है। देखिए मैं तोड़ी हूँ, देखिए कितना परफेक्ट बना है, कितना परफेक्ट बना है। ये देखिए देखिए कितना अच्छा, अभी बहुत गर्म है, मैं छू भी नहीं पा रही हूँ, बट सच में मानिए बहुत टेस्टी और यम्मी लगता है। आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है, आप मैं सारा इंग्रेडिएंट बता दूँगी आपको क्या क्या मैंने डाला, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा मेरे ब्लॉग्स का, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आपको बहुत टेस्टी लगेगा, यम्मी लगेगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे घर में सभी को पसंद है और सभी बहुत प्यार से बहुत चाव से खाते हैं, बच्चे भी बहुत प्यार से खाएंगे। आप एक बार ट्राई करें, बहुत टेस्टी है। सो थैंक यू, अब मैं अपने लास्ट करती हूँ अपने पिट्ठा को और फाइनली मैं चली अभी सर्व करने सभी को। थैंक यू दोस्तों, बाय। दोस्तों आप पिट्ठा को फ्राई करके भी खा सकते हैं। हम लोग जनरली इवनिंग में अभी स्नैक्स के रूप में इसको क्या करेंगे, थोड़े से वाइन में या रिफाइंड में जी आपकी मर्जी, उसमें थोड़ा सा सरसों दाने की फोड़न दूंगी, थोड़ा सा कड़ी पत्ते भी तोड़ लेंगे और इसको हल्का रोस्ट करेंगे।
उसके बाद आप खाओगे ना मजा दुगनी हो जाएगी दोस्तों, दुगनी मजा आ जाएगी, एक बार जरूर ट्राई करना। ओके दोस्तों, थैंक यू।